जैसे अपन बात करेंगे तो अपन क्या बोलते हैं यूनिनॉमियल पैटर्न, ठीक है। ये यूनिनॉमियल पैटर्न किससे बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। आम को आम हम कहते हैं, आम जरूरी थोड़ी है कि नाइजीरियन उसको आम ही कहते हो, वहां का रीजनल लैंग्वेज कुछ और हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अपने इंडिया में जोन बाय जोन इसका कई सारा नाम उनके रीजनल लैंग्वेज में उनका कुछ और वर्ड वहां पे यूटिलाइज होता हो, ठीक है। ऐसे ही हर एक एक ऑर्गेनिज्म के लिए है। हो सकता है जिस ऑर्गेनिज्म को हम बिल्ली का नाम देते हैं, कैट का नाम देते हैं, किसी और रीजनल लैंग्वेज में उसका कुछ और भी नाम होता होगा, ठीक है, हमें नहीं पता, बट डेफिनेटली होता होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आया यूनिनॉमियल, तो इसमें देखो सबसे बड़ा लॉस क्या था, यूनिनॉमियल पैटर्न था तो फिर बाकी के पैटर्न की फिर क्या जरूरत आई। यूनिनॉमियल पैटर्न का सबसे बड़ा लॉस ये था कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का नाम केवल लोकल रीजन तक या लोकल जोन तक ही बस फिक्स था, है ना। उसके बाद उस जोन के बदलते ही या उस पर्टिकुलर एरिया के चेंज होते ही उस ऑर्गेनिज्म का नाम बदल जाता था, तो उसका एक कोई यूनिक या फिक्स नेम नहीं था। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था या काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। देन आफ्टर इसके बाद क्या हुआ कि लिनियस भाई साहब आए और लिनियस भाई साहब ने अपने को दे दिया बाइनोमियल पैटर्न, ठीक है। लिनियस भाई साहब ने अपने को बाइनोमियल पैटर्न दिया। बाई मतलब यूनि मतलब क्या होता था, सिंगल, नॉमियल मतलब नेम पैटर्न, ठीक है, सिंगल नेम पैटर्न। देन इसके बाद क्या हुआ क्या बाइनोमियल पैटर्न, बाइनोमियल पैटर्न मतलब दो नाम समझ रहे हो, नहीं दो नाम अपन जनरल लैंग्वेज में अपन समझ सकते हैं, बट इस बाइनोमियल का मतलब कुछ और ही है। वेल लेट्स सी, अब देखो क्या होता है कि जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर अपने को आइडेंटिफाई करना हो तो यहाँ पे हमें लिनियस ने टेक्निकल नेमिंग की अपने को पैटर्न सिखाई थी कि टेक्निकली अपन उस ऑर्गेनिज्म को कैसे अपन समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक जनरल नाम उसका रीजनल नाम तो होता ही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से किसी का नाम प्रिंकी, पिंकी, टिंकी, चिंकी हो सकता है, ठीक है, सोनू, मोनू, गोलू, कोलू कुछ भी हो सकता है, चलेगा। बट टेक्निकली आप सब क्या है, हम सब क्या है, ह्यूमन बींग्स है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं कहता हूँ, ठीक है, मेरा एक जो नॉर्मल रीजनल नेम है कह सकते हैं जो कि एक मुझे मेरे पेरेंट्स के थ्रू दिया गया है, दैट इज दे मानते हैं, ठीक है। बट टेक्निकली हमारा हम सब का जो नेम क्या है, वो क्या हो सकता है, ह्यूमन बींग्स का, होमो सैपियंस, ठीक है। तो अब हम दुनिया में कहीं भी रहे, वर्ल्ड में हम कहीं भी रहे, हमें लोग देव के नाम से पहचाने या ना पहचाने, लेकिन ये जरूर सबसे समझ रहे हैं कि ओके ये होमो सैपियंस है, ठीक है। तो अब इस पूरे के पूरे बायोडायवर्सिटी में अगर मुझे पहचानना हो लोगों को, रिसर्चर्स को, तो वो कितने सारे एनिमल्स है, ठीक है, ये तो चलो पहचान जाएंगे कि एनिमल है, एनिमल की कैटेगरी में काउंट होते हैं, बट कौन सा एनिमल, क्या नाम हो सकता है, होमो सैपियंस, ओके। तो जैसे ही अपन होमो सैपियंस बोलेंगे ना, तो होमो सैपियंस के जितने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक है सभी उनके ब्रेन में फट से फीड होंगे और हमारा एक रफ आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। देन फिर होमो सैपियंस में फिर क्या, किस पर्टिकुलर जोन में क्या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, अच्छा इसके लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, वो फिर बात की बात है, बट एक टेक्निकल आइडेंटिफिकेशन वहां पे ना क्लियर कट हो जाता है, ठीक है। तो इस बाइनोमियल पैटर्न पे काफी ज्यादा रिसर्च हुई, काफी ज्यादा ये यूटिलाइज किया गया, एक तरह से ये रिवोल्यूशनरी पॉइंट ये बाद में फोकस हुआ या बना, ठीक है। इस बाइनोमियल पैटर्न को बताने के लिए लिनियस ने कि किस तरीके से अपन इस पे काम कर सकते हैं, लिनियस ने क्या किया था, कुछ रूल्स अपने को दिए थे। वेल उस रूल के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, एंड देन इसके बाद फिर आता है बेटर ट्राइनोमियल। फिर क्या आता है ट्राइनोमियल पैटर्न, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार सर अभी तो आपने बताया दो नाम वाले पैटर्न, तीसरा नाम भी कैसा हो गया, तीसरा नाम बोले तो भोला प्रसाद चौहान, है ना, तीन नाम हो तो गए, भोला, देन प्रसाद, देन चौहान, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ट्राइनोमियल पैटर्न में, ट्राइनोमियल में आया पैटर्न में ये कुमार, कुमारी, प्रसाद, ये सब कुछ भी नहीं चलता, ठीक है। ट्राइनोमियल पैटर्न में एक्चुअली क्या होता है, हम ऑर्गेनिज्म की सब स्पीशीज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, क्या डिस्कस करते हैं अपन, ऑर्गेनिज्म की सब स्पीशीज, ठीक है। अब ठीक है, होमो सैपियंस है, हो सकता है मॉडर्न ह्यूमन बींग्स आए तो, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स आए तो कहलाएगा तो होमो सैपियंस है ना, इसलिए तो होमो सैपियंस है, ह्यूमन बींग्स है, बट मॉडर्न लगा दिया मतलब वो सब स्पीशीज क्रिएट हो गई, सब स्पीशीज क्रिएट हो गई, तो फिर डेफिनेटली वहां पे उसका नाम बदल जाएगा। या अगर अपन बात करें, ठीक है यार, कि अपने पास क्रो की चलो बात करते हैं, कौवा,
ठीक है। अब उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, कॉर्वस स्प्लेंडस, क्या होता है कॉर्वस स्प्लेंडस। अब अगर इसकी कुछ सब स्पीशीज आएगी ना, तो इस बाइनोमियल पैटर्न कॉर्वस स्प्लेंडस के बाद अपन वहां पे कुछ सब स्पीशीज का नाम वहां पे अपन ऐड करेंगे, ठीक है, तब जाकर के वो क्या बनेगा, ट्राइनोमियल पैटर्न वहां पे वो बन जाएगा, ठीक है। तो ट्राइनोमियल को समझने से पहले अपने को बाइनोमियल जानना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ओके। देन बाइनोमियल पैटर्न में चलो अगर अपन चलते हैं, बाइनोमियल पैटर्न में क्या क्या चीजें डिस्कस की गई होंगी हमारे लिनियस के द्वारा, क्या क्या रूल्स उन्होंने अपने को दिए होंगे इसके बारे में चलो आप थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले तो लीनियस जी ने उसने क्या किया था, ये पूरे का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो सिस्टेमा नैटिनी में अपने को दे दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने, उन्होंने ये बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है, अगर अपन रूल की बात करें यहाँ पे, वो क्या रूल दे रहे थे अपने को, वो ये बताना चाह रहे थे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है वो हमेशा दो पार्ट में होता है। साइंटिफिक नेम रूल नंबर फर्स्ट क्या है, साइंटिफिक नेम विल बी इन टू पार्ट, ठीक है, टू पार्ट। दो पार्ट कौन कौन सा होना चाहिए भाई, द फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेड जीनस बाय द सेकंड वन इज फॉर स्पेसिफिक स्पीशीज, ओके। टू पार्ट, द फर्स्ट पार्ट जीनस और यू कैन से जेनेरा, एंड द सेकंड वन, सेकंड पार्ट इज फॉर स्पीशीज, ठीक है, और यू कैन से स्पेसिफिक चलेगा, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट रिवेल्स जेनेरा ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, व्हाइल द सेकंड वन इज स्पेसिफिक फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और इट रिप्रेजेंट स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम के क्या होता है, पहला रूल क्या था, दो पार्ट होने चाहिए, पहला पार्ट क्या रिवर करेगा जीनस को, सेकंड पार्ट क्या रिवर करेगा स्पीशीज को, ठीक है। सेकंड रूल वो क्या बता रहे थे, राइटिंग पैटर्न के बारे में उन्होंने अपने को बताया था, राइटिंग पैटर्न के बारे में उन्होंने ये कहा था कि जनरली सारा का सारा जो साइंटिफिक नेम है वो जनरली किसमें लिखा होना चाहिए, इटैलिक फॉन्ट में, किसमें लिखा होना चाहिए, इटैलिक फॉन्ट, इटैलिक फॉन्ट वहां पे यूटिलाइज किया जाना चाहिए लिखने के लिए। देन इसके बाद थर्ड वो क्या कह रहे थे, इटैलिक फॉन्ट में भी, इटैलिक फॉन्ट में भी वो ये कह रहे थे द फर्स्ट लेटर, उन्होंने ये कहा कि हमारा जो जो जनरा है उसका जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, और ऑलवेज कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए, क्या था उन्होंने, हमारा जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम के जो जो पार्ट जनरा रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर जनरा शुड बी इन कैपिटल लेटर फॉर्म, रेस्ट ऑल शुड बी इन स्मॉल स्मॉल फॉन्ट, ठीक है। पहला पार्ट क्या होना चाहिए, पहले पार्ट का पहला शब्द कैपिटल में होना चाहिए, रेस्ट सारा का सारा कैसा होना चाहिए स्मॉल फॉन्ट में होना चाहिए। देन इसके बाद ये क्या कह रहे थे कि अब अगर किसी सब स्पीशीज की बात करनी हो, या अपने को किसी, उनको कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म वहां का जो रिसर्चर्स होता है उस ऑर्गेनिज्म के रिसर्चर्स को क्रेडिट देनी होती है, देन अपन सब स्पीशीज के बाद अपन वो पार्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा पार्ट उनका क्या था, है ना, तो बेसिकली उन्होंने राइटिंग पैटर्न के बारे में बात की और इसके पार्ट के बारे में बात की। पहला पार्ट वो बता रहे थे जीनस का होना चाहिए और सेकंड पार्ट होना चाहिए स्पीशीज स्पेसिफिक होना चाहिए, इटैलियन फॉन्ट में लिखा होना चाहिए साइंटिफिक नेम। अच्छा देखो, अब बाद में फिर उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जो जो नेम है वो प्रिंटेड फॉर्म में है तो इटैलिक फॉन्ट में होना चाहिए, अगर वो इटैलिक फॉन्ट में प्रिंटेड नहीं है, नॉर्मल फॉन्ट में लिखा हुआ, देन इट शुड बी हैंड रिटन, कैसा होना चाहिए, ये हैंड रिटन फॉर्म में होना चाहिए। फिर इसके बाद इन्होंने ये कहा, अच्छा हैंड रिटन के अलावा और हैंड रिटन होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए, हैंड रिटन एंड अंडरलाइन फॉर्म में होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जीनस का जो 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 फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैसा रहेगा, कैपिटल फॉर्म में रहेगा, रेस्ट ऑल स्मॉल लेटर के फॉर्म में रहेंगे। ये कुछ इन्होंने ने हमें रूल्स बताए थे लीनियस भाई साहब ने, उन्होंने ये भी बताया था कि जो रिसर्चर का नाम है वो
ऑफ स्पीशीज के बाद एज ए स्पेसिफिक इपिथेट, एज ए स्पेसिफिक इपिथेट, इपिथेट के फॉर्म में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। चलो हम आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाते हैं कि किस तरीके से लीनियस ने अपने को ये पैटर्न आपने देखा था। ठीक है, आपको बुक में भी मे भी ये पॉइंट्स मिल जाएगा। वेल अपन यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं आर्म की, इट्स कॉल्ड मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, अब देखो मैंगीफेरा इंडिका की अपन बात कर रहे हैं, तो चूंकि हम यहाँ पे इटैलिक फॉन्ट यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ हैंड रिटन पैटर्न यूटिलाइज कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या कहा, देखो मैंगीफेरा मैंगीफेरा द फर्स्ट पार्ट एंड इट विल द सेकंड पार्ट। यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके जीनस को, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी स्पीशीज को। ठीक है, स्पीशीज भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक, अब अगर अपने कोई स्पेसिफिक इपिथेट देना होगा तो अपन यहाँ क्या दे देंगे, लीनियस। ठीक है, लीनियस एल आई एन लिन, लिन। ठीक है, ये अपना क्या बना रहा है, स्पेसिफिक इपिथेट। ठीक है, ये क्या दे दिया आपने, स्पेसिफिक इपिथेट की यहाँ पे बात हो गई। ये हो गया डिस्कवरर का नाम, ये क्या नाम दिया रहा है, डिस्कवरर को ये अपने को बता रहा है। ये इसका स्पीशीज वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन, ये अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जीनस वाले पोर्शन को। ठीक है, जीनस स्पीशीज एंड स्पेसिफिक इपिथेट, द फर्स्ट लेटर द होल सोल पार्ट इज रिप्रेजेंटेड इन टू टू पार्ट, होल सोल साइंटिफिक नेम जीनस एंड स्पीशीज, द फर्स्ट लेटर और शुड बी इन इटैलिक फॉन्ट और इफ hand written then should be underlined, the first letter of the genus will be always in capital form। ठीक है, ये कुछ scientific name से related कुछ चीजें थी जो कि हमें लीनियस भाई साहब ने दिया हुआ था। अब सोचो लीनियस भाई साहब तो नाम दे करके चले गए, अब कौन होगा जो कि साइंटिफिक नेमिंग टेक्निक को जो कि हैंडल करता होगा, इस रूल्स एंड रेगुलेशन को कोई तो देखता होगा, वरना ऐसा थोड़ी है कि कल आप चौके जगह और आपको उनको कुछ अलग तरह का ऑर्गेनिज्म दिखा और आपने इसको कुछ भी नाम दे दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो एक पर्टिकुलर कमेटी है, हर एक ऑर्गेनिज्म के नाम देने के लिए एक पर्टिकुलर कमेटी है, उस कमेटी में प्रूफ होना चाहिए, उस कमेटी ने लीनियस के रूल को फॉलो किया है और उसने ये कहा कि लीनियस के सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए, तभी अपन किसी और ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम का अप्रूवल दे सकते हैं। साइंटिफिक नेमिंग अगर अपन बोले ये जो एजेंसीज हैं, अगर अपन इन एजेंसीज का नाम बोले तो जैसे ICBN है ना, ICBN है, ICBAN है, ICVN है, फुल फॉर्म की अगर पर बात करते हैं तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरस अगर अपन बात करें, या अपन ऐसा कह सकते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर ICBAN। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZ एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN, ऐसे करके ये कई सारी एजेंसीज हैं। ठीक है, जिनके बारे में आपको ICBN, ठीक है, ICZN, ICBAN, ICVN, ठीक है, ऐसे करके ये सारी के सारी एजेंसीज हैं जिन्होंने की क्या किया है, हर एक तरह के ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर। वायरल नॉमेनक्लेचर का एग्जाम्पल तो आपके सामने है, नॉवल कोविड 19 अभी चल रहा ना, कोरोना वायरस पूरी दुनिया को बताओ डरा करके रखा हुए है जी, बताओ कोविड 19 क्या नाम है इसका, कोविड 19। साइंटिफिक नेम कहां से आया होगा, नोवल कोरोना वायरस, जब भी आप किसी को कॉल लगाओ तो रिंगटोन ये बजती ना, नोवल कोरोना वायरस, और बाकी फिर पूरा उसका स्टेट, यार ये नोवल कोरोना वायरस की नाम कहां से आया होगा, अप्रूवल कहां से मिला होगा, यही वाला था अपना वायरस एजेंसीज। ठीक है, ओके, वो वीरस हास्य बुद्धि वाला वायरस नहीं है। ठीक है, ये वायरस कौन सा है, ये इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ICVN से अप्रूवल मिला होगा, तब जाकर के ना कोविड 19 को कोविड 19 का नाम मिला, मतलब इसके पहले तो उस वायरस का कोई नाम ही नहीं था।
ठीक है। ऐसे अगर आपके सामने आज आज अपन नीम की बात करते हैं, एजरेक्टा इंडिका की अपन बात करते हैं, और स्कैंथम की अगर अपन बात करते हैं, तुलसी की, या अपन ऑफिस एनालिस की बात करते हैं, है ना, अमेरिका ऑफिस एनालिस, आंवला की, ठीक है, ये जितने भी साइंटिफिक नेम है, या अपन गेहूं की बात करते हैं, कैप्सिकम मैस्टिमम की, चावल की बात करते हैं, और आज सेटाइवा की, ये जो भी साइंटिफिक नेम आपको मिल रहा है, मस्टर्ड की बात की अपन बात करते हैं, ब्रेस्का कंपास्टर्स की, है ना, ये जो भी साइंटिफिक नेम है, ये किसने किया होगा, आईसीबीएन ने किया होगा, ठीक है, बोटैनिकल नॉमिनेशन ने इसको दिया होगा। इसके बाद आईसीबीएन की भी फिर कुछ और भी फिर ब्रांचेस बने, क्योंकि फ्लोरा स्पीशीज बहुत बड़ी हो गई थी। इसके बाद फिर आया कि कल्टीवेटेड प्लांट की इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमिनेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी एजेंसीज बनती चली गई। जूलॉजिकल की बात करें, आईसीजन जूलॉजिकल स्पीशीज की अगर अपन बात करें तो भैया पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रस, होमोसैपियंस, ये जितने भी आपको साइंटिफिक नेम देखने को मिल रहे हैं, रेटस रेटस, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, पीजन पीजन, ये जो भी साइंटिफिक नेम आपको देखने को मिल रहे हैं, कॉर्पस स्प्लैंडर्स स्प्लैंडर्स, ये सब जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एजेंसीज के द्वारा ही अप्रूवल होते हैं, ठीक है। हाँ, एक और खास बात, नॉमेनक्लेचर को फिनिश करने के पहले एक और खास बात बताना चाहेंगे, हमेशा याद रखिएगा, इन केस ऑफ प्लांट, हमेशा याद रखना बेटा, इन केस ऑफ प्लांट जेनरा और स्पेसिफिक नेम कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट जेनरा और स्पेसिफिक नेम कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते, बट इन केस ऑफ एनिमल ऐसा पॉसिबल है, इन केस ऑफ एनिमल ऐसा हो सकता है कि जेनरा और स्पेसिफिक नेम एंड समटाइम्स स्पेसिफिक एपिथेट तीनों की तीनों सिमिलर हो सकते हैं। जैसे गोरिल्ला की बात करते हैं, ठीक है, गोरिल्ला के केसेस में उसका साइंटिफिक नेम क्या आता है, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। रैट के केसेस में बात करते हैं, रैटस रैटस, ठीक है, ये इस तरीके से, ये केवल रिपीटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल के केस में, प्लांट के केसेस में कभी भी ऐसा रिपीटेशन नहीं होता है, ये हमेशा फिट करके आप रख लीजिए, इससे रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। ये कुछ एजेंसीज की बात हो गई, की के बारे में अपन ने पहले बात कर रखी है, की क्या होता है, ये एक लिस्ट होती है, या अपन कह सकते हैं लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, या आप कह सकते हो कि लिस्ट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अपन की की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या होती है, लिस्ट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसमें जिसके बेस पे अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की अपन स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, या अपन ये भी कह सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स मिल सकता है अपने को, कैरेक्टरिस्टिक्स का पूरा पूरा स्टेटमेंट मिल सकता है, जिनके कारण की अपन उस ऑर्गेनिज्म के बारे में और अच्छी स्टडी कर सकते हैं, या उसको क्लासिफाई या आइडेंटिफाई करने का अपने को पॉइंट मिल जाता है। वेल, यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी हम आपको बताना चाहेंगे, द फर्स्ट वन इज कपलेट, कपलेट, दूसरा हम आपको बताना चाहेंगे लीड, ठीक है, द फर्स्ट वन इज कपलेट, कपलेट क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कपलेट क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कपलेट में वो कपलेट बोला तो जोड़ा, ठीक है, पेयर अपन उसको कह सकते हैं, तो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे अपन जब ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करते हैं तो दो कंडीशन हो सकती है ना, आइदर ये कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, एक तो ये कंडीशन बनती है कि मतलब कंप्लीटली कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होगा या होगा ही नहीं, और या फिर एक और कंडीशन ये बनती है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है ही तो उसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं, दोनों के केसेस में अपने पास क्या है, कंट्रास्टिंग कंडीशन बन रही है, मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे वहां पे अपन ने ग्रोथ करा, अपन ने एग्जांपल लिया था कि प्लांट के की ग्रोथ, अब अपन ने क्या बताया कि लिविंग बींग्स में ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग बींग्स में ग्रोथ नहीं होती, एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या मिल गया अपने पास, ग्रोथ, लिविंग और नॉन लिविंग को अपने कैरेक्टराइज कर दिया, बट इन केस ऑफ प्लांट एंड एनिमल अपन को क्या मिला था, इन केस ऑफ प्लांट इट इज इनडेफिनेट, है ना, हमेशा होती रहती है, बट इन केस ऑफ एनिमल इट इज डेफिनेट, ये डेफिनेटली, तो एनिमल और प्लांट को देखो, दो हो गया ना, पहला क्या लिविंग और नॉन लिविंग को अपन ने कैरेक्टराइज किया, फिर क्या किया अपन ने प्लांट और एनिमल को भी अपन ने कैरेक्टराइज कर दिया, तो प्लांट और एनिमल को कैरेक्टराइज करने के लिए भी अपने को वही पॉइंट का आया ना, अपना अपना पॉइंट तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्रोथ ही है, अब ग्रोथ में कई सारे अपने को एस्पेक्ट मिल रहे हैं, दैट वन इज कॉल्ड कपलेट,
ठीक है। लीड क्या होता है, लीड वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होता है, तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई और टू स्टडी ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए या उसकी प्रॉपर स्टडी के लिए अपन जो स्टेटमेंट यूज करते हैं वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है, लीड कहलाता है। और कपलेट और लीड में से दो में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हमेशा पूछा जाता है, तो बेटा कपलेट और लीड को हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, कपलेट क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज वेरी हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। लीड क्या है, द स्टेटमेंट विच गिव आइडिया और विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू स्टडी अबाउट द एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हो गया की के बारे में। अब अपन बात करना चाह रहे थे बेटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में, टैक्सोनॉमिक एड के बारे में, बस छोटा सा और बचा है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की चलो अगर अपन बात करते हैं ना बेटा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अपन ने पहले बता दिया था ये कितनी होती है, सेवन होती है, कितनी होती है, सेवन होती है ना। तो अपने को देखो इसका एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे होता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है या सबसे पहला आपकी एनसीईआरटी को जो पॉइंट मिलेगा अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, किस तरीके से अपन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को अपन अरेंज करते हैं, ठीक है। चलिए अरेंजमेंट अपन देखते हैं, द अरेंजमेंट विल बी इन फॉर्म ऑफ अपन अरेंजमेंट की बात करें तो कैसा होता है ये, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज, ठीक है। अब देखो ये आपको क्लियर हो जाएगा यहां से, इसकी स्टोरी देखना अभी आपको क्लियर होने वाली होगी, ठीक है। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। ये अपन ने क्या किया बेटा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की अपन ने बात कर दी। अच्छा तो यहाँ पे ये मैंने दो दो कलर पे लिखा, क्या डिजाइन देनी थी, नहीं भैया डिजाइन यहाँ पे अभी अपने को नहीं करनी, ड्राइंग अभी अपन करेंगे अगले चैप्टर से, ठीक है। अभी तो पूरे चैप्टर में पूरा ऐसे थोड़ा सा डिजाइनिंग कर दिया, कोशिश कर ली हालांकि मैंने, ठीक है। अब देखो इसमें अपने को क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पे देखो, किंगडम, फिर क्या मिला, फाइलम। अच्छा देखो फाइलम और डिवीजन हर जगह में इसका दो नाम यूटिलाइज कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, हमें इसका एक कारण है फिर बताएंगे। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये होता है इसका प्रॉपर अरेंजमेंट लिखने का, क्यों होता है वो अभी चलो डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं फाइलम एंड डिवीजन की। तो देखो जब भी अपन बात करेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन की, तो एनिमल की क्लासिफिकेशन में अपन हमेशा क्या टर्म यूटिलाइज करेंगे, फाइलम। जब भी अपन डिस्कस करेंगे प्लांट के क्लासिफिकेशन की, तो वहां पे अपन क्या यूटिलाइज करेंगे, डिवीजन। अभी तक 10th तक आपने जो अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाई थी स्कूल लेवल पे, जिसमें से कि आपने कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर आपने डिस्कशन किया होगा, तो जैसे अर्थवॉर्म लिखा, कॉकरोच लिखा, या आपने एप्पल स्नेल बनाया हो, या आपने पाइला बनाया हो, कीला जिसको अपन कहते हैं, तो वहां पे अपने क्लासिफिकेशन में आपने लिखा होगा किंगडम, फाइलम, किंगडम देन फाइलम। जब भी अपने प्लांट स्पीशीज की बात की होगी ना, लाइक वाइज अगर आप सरसों का प्लांट